हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग मन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन का उदाहरण 8 और उदाहरण 9 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोनों ही उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उदाहरण 8 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर उदाहरण 8 है कि साइन 31 पाई बटे 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा हल दिया है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि साइन 31 पाई बटे 3। तो सबसे पहले जब भी हमें रेडियन में दिया होता है तो हम क्या करते हैं, रेडियन से डिग्री में चेंज कर लेते हैं। यदि हम रेडियन से डिग्री में चेंज कर लें तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम इसको रेडियन से डिग्री में चेंज कर लें तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए साइन 31 पाई बटे 3 को हमने जहाँ की तहाँ लिखा, और जब भी रेडियन से डिग्री में चेंज करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 180 बटे पाई से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर चाहें तो आप पाई की जगह पाई का मान रख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं। जैसे यदि हम पाई से पाई कैंसिल आउट कर दें, यहाँ पर 3 से यदि इसको डिवाइड करें तो यहाँ पर 6 बार जाएगा 0 जाके तक, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन बचेगा 31 का गुणा यदि यहाँ पर हम 60 से करें तो यहाँ पर 1860 आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें साइन 1860 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 1860 डिग्री है यह 360 से ज़्यादा हैं। यदि 360 और 360 से कम होता तो हम आसानी से इसका मान ज्ञात कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको 360 डिग्री से ज़्यादा दिया गया। जब भी आपको 360 डिग्री से ज़्यादा का मान ज्ञात करना हो तो आपको क्या करना होता है कि 360 से हम भाग करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम 360 का भाग 1860 में करके देख लें तो यहाँ पर आपको इसको रफ में करना है। तो यहाँ पर हम 360 का भाग 1860 में करेंगे, वो जितना शेषफल आएगा उसका मान इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 360 भागित 1860, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, लगभग 5 बार जाएगा, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार में यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1800 आ जाएगा। यदि हम इसमें से माइनस करें तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 6, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो जो साइन 1860 डिग्री का मान होगा वह साइन 60 के बराबर हुआ। तो सबसे पहले यदि यहाँ पर हम लिख लें इसलिए 1860 डिग्री में 360 से भाग देने पर, 360 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है, शेषफल 60 डिग्री प्राप्त होता है, इसलिए जो साइन 1860 डिग्री का मान होगा वह साइन 60 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए साइन 1860 डिग्री बराबर साइन 60, और यहाँ पर साइन 60 को मान तो आपको पता होगा, साइन 60 का मान यहाँ पर कितना होता है, तो यहाँ पर जो साइन 60 का मान होता है कर्णी 3/2 होता है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम उदाहरण 9 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर उदाहरण 9 है कि कॉस माने 1710 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा हल, यहाँ पर आपको दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि कॉस माने 1710 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस माने 1710 डिग्री। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है कि यदि कॉस माइनस का थीटा है तो आपको ध्यान रखना है कि कॉस यदि माइनस का थीटा है तब वह बाहर निकल कर क्या हो जाता है, प्लस का कॉस थीटा हो जाता है। केवल ऐसा कॉस में होता है, लेकिन यहाँ पर जो 5 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, जैसे यदि हम साइन की बात करें, यदि साइन माइनस का थीटा है तो इसका माइनस चिन्ह बाहर निकल आता है, लेकिन यहाँ पर साइन कभी प्लस का नहीं होता है, इसका माइनस चिन्ह क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। लेकिन कॉस में ऐसा नहीं होता है, यदि कॉस माइनस थीटा है तो वह क्या हो जाता है, प्लस का कॉस थीटा हो जाता है। इसी प्रकार से यदि टेन की बात करें, टेन माइनस का थीटा है
तो इसका भी माइनस का चिन्ह बाहर आ जाता है, तो माइनस का टेन थीटा हो जाता है। इसी प्रकार से कोसेक, ओसेक और कोट, इन पांचों त्रिकोणमितीय फलनों में ऐसा होता है कि माइनस चिन्ह क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। लेकिन कॉस में ऐसा नहीं होता है, कॉस यदि माइनस का थीटा है तो वह क्या हो जाता है, प्लस का कॉस थीटा हो जाता है। तो यहाँ पर इसलिए हम लिख सकते हैं, यदि हम माइनस चिन्ह को क्या कर दें, प्लस कर दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का कॉस 1710 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, चूँकि कॉस माइनस का थीटा बराबर क्या होता है, प्लस का कॉस थीटा होता है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें कॉस 1710 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो जब भी आपको 360 डिग्री से ज़्यादा का मान पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 360 से भाग कर लेना है। तो यहाँ पर यदि हम 360 से भाग करें, यहाँ पर आप कर सकते हैं रफ में, 360 से यदि हम 1710 में सबसे पहले यदि हम भाग कर लें तो जितना से इस पल प्राप्त होगा वह मान कॉस 1710 के बराबर होगा। तो यहाँ पर 360 का भाग हम 1710 में करेंगे, तो यहाँ पर 360 का भाग 1710 में लगभग चार बार जाएगा, पांच बार में ज़्यादा हो जाएगा, चार बार में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1440 आ जाएगा। यदि यहाँ से हम घटाएं तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, यहाँ पर सात, यहाँ पर दो, यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर 360 का भाग 1710 में करने पर कितना शेषफल प्राप्त होता है, 270 शेषफल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए 1710 डिग्री में, 1710 डिग्री में 360 डिग्री से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, शेषफल 270 प्राप्त होता है, 270 डिग्री प्राप्त होता है। इसलिए जो कॉस 1710 डिग्री का मान होगा, कॉस 1710 डिग्री का जो मान होगा भाई, कॉस 270 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस 270। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कॉस 270 है भाई, 270 के आसपास तो है ही, स्वयं 270 के नज़दीक है। यदि हम इसको दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर चाहे तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि कॉस 270 प्लस थीटा, यानी कि प्लस आप जीरो जोड़ सकते हैं, क्योंकि 270 में जीरो जोड़ेंगे तो 270 ही आएंगे। यदि 270 में से जीरो को माइनस कर दें तो भी 270 आएंगे। तो यहाँ पर यदि हम इसको प्लस जीरो करके लिखें, यहाँ पर कॉस 270 प्लस जीरो, क्योंकि 270 के आस ही पास है, यहाँ पर स्वयं 270 दिया गया है। तो यहाँ पर 270 की जब भी बात होती है तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 270 में क्या होता है, चेंज हो जाता है, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, सेक का कोसेक हो जाता है, कोसेक का सेक हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है, कॉट का टेन हो जाता है। तो यहाँ पर कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि हम 270 से जब भी ज़्यादा जाते हैं, जब भी प्लस की बात होती है, 270 प्लस की बात, तो ये हमारा चतुर्थांश में स्थित हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी 270 से हम अधिक जाते हैं तो यहाँ पर हम किस चतुर्थांश में पहुँच जाते हैं, चतुर्थांश में। तो चतुर्थांश में क्या होता है कि कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा कॉस भी क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। यहाँ पर आपको पहले वाला देखना है, ऐसा नहीं कि आप साइन को देखें, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉस दिया गया तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। और यहाँ पर 270 में तो चेंज होता है, कॉस का साइन हो जाएगा, और कॉस 270 प्लस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। और थीटा यहाँ पर क्या दिया गया है, जीरो दिया गया है। अब इसके बाद जो साइन जीरो का मान होता है क्या होता है, जीरो ही होता है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से उदाहरण 8 और उदाहरण 9 को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि जो उदाहरण ज़्यादातर होते हैं वह आपकी वार्षिक परीक्षा में हर बार अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।